तो भाई लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे वैरायटीज के कालीन हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लीजिए, सूट भी मिलेगा, बैग्स भी मिलेगा, काफी यूनिक चीज मेरे को मिला है अभी, बड़ा मिठाई। तो सर इसका टेस्ट कैसा लग रहा है आपको? बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आ चुके हैं सरस मेला में। बहुत लोगों ने डिमांड किया कि भाई पटना में रह रहे हो और सरस मेला नहीं गए, तो प्लीज़ सरस मेला का व्लॉग बनाओ। तो आज हम लोग जा रहे हैं सरस मेला। देखिए पीछे सरस मेला हम लोग आ चुके हैं और अंदर जाके पूरा एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे यहाँ क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, लिखा हुआ है आई लव सरस, और उसके जस्ट बगल में आप लोगों को सरस पार्क मिलेगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत बैठ करके स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मेला है यहाँ पे, अभी आप लोगों को पूरा एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। तो आप लोग जैसे कि पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे काफ़ी यूनिक यूनिक चीज़ है। ये सारा बांस का बना हुआ है और जानते हैं भैया से कि इसका प्राइस कितना। तो अभी हमको ये भैया बताएंगे कि यहाँ पे ये जो जो चीज़ है बांस का बना हुआ, भैया कितने से कितना रेट तक का है? यहाँ 30 से 2000 तक रेट का, 3000 तक रेट का है। ऊपर 30 रुपए से लेकर के 2000-3000 तक का आएगा। तो कुछ कुछ आप बता दीजिए जरा सा रेट किसी चीज़ का। 100 रुपए का है ये, 100 रुपए का, 150 रुपए का है ये, 150 रुपए का है ये, 50 रुपए का है ये, 50 रुपए का, और ये सब बांस से बना हुआ है, सारा बांस का बना हुआ है। तो थोड़ा सिनेमेटिक शॉट में आपको दिखा देता हूँ। तो भाई लोग यहाँ पर आप लोग देखिए, एक बांस का बना हुआ कुर्सी है और बैठने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप लोग देख सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो 3000 रुपये है। तो भाई लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे वैरायटीज़ के कालीन हैं। तो भैया ज़रा बता दीजिए यहाँ पे आपके पास कितने से कितने रेट तक के हैं कालीन? हमारे पास 1000 रुपये से लेके 15000 तक है। 1000 रुपये से लेके 15000 तक है। तो इसका भी मैं आपको पहले सिनेमेटिक शॉट दिखा देता हूँ, अगर आप लोगों को लेना होगा तो फिर आप लोग आ करके यहाँ से ले सकते हैं। तो सर यहाँ पे जो ये सब लगा हुआ है ज़रा सा उसके बारे में आप बता दीजिए। ये हम लोग प्रदर्शनी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये थर्मोकोल का पत्ता, प्लेट, ये बोतल, ये प्लास्टिक, ये सब का यूज नहीं करना है। इससे तरह तरह की हम लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और इन्वायरमेंट पर भी असर पड़ रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ नीचे हम दिखा रहे हैं, जो केले का थमका है, पत्ते का प्लेट है, और ये घास का कप है, और ये मिट्टी का बर्तन है, कांच का बोतल है, इसको यूज करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि इससे हमारे बॉडी फिटनेस पे या मेरे शरीर पे किसी तरह का कोई खामी नहीं पहुंचे या कोई बीमारी से हम लोग ग्रसित ना हो। मतलब आप लोग सोशल नॉलेज दे रहे हैं सबको, है ना जी? थैंक यू। ये हम लोग को जो उपयोग की वस्तुएं जो बेकार हो जाती हैं, तो जो जैसे कपड़ा है, ये कपड़ा के, ये पुराने कपड़े के माध्यम से हम लोग कुछ आइटम बना के ये लोगों तक मैसेज पहुंचाने का के लिए प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोग दिखाए हैं। ये जो है ये प्लास्टिक की बोतलों का है, ये कागज़ का टुकड़ों का है, वो कुरकुरे और अदर चीज़ें का रैपर है जिससे हम लोग टोकरी बनाए हैं, ठीक है। ये
टूटी हुई चूड़ियाँ हैं, जिससे हम लोग प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि लोग जो बेस्ट है ये जैविक खाद है, जिससे गोबर है या फिर जो किचन से जो वेस्ट निकलता है जी, जैसे सब्जी के छिलके, फल का छिलके, उससे हम लोग कंपोस्ट बनाने का काम करके वो जो दिखाए कि हम लोग का जो बेस्ट है, पर जो ये सब है, ये प्रदर्शनी, ये जो कैटलॉग देख रहा है ना, उसके माध्यम से हम लोग मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग सूखे कचरा और गीले कचरे को कैसे बेस्ट मैनेज कर सकते हैं। तो आप लोग जैसा कि मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर एक काउंटर है जहाँ पे हनी मिलता है, और ये देख सकते हैं कितने से कितने केजी तक का हनी है आपके पास। 250 ग्राम का डब्बा बनाया गया हुआ है, उसके बाद आधा किलो का है, ये आधा किलो का है, उसके बाद एक केजी का है, यहाँ पर एक केजी का है। इसका प्राइस क्या है एक केजी वाले का? 350 रुपया। और जरा सा इसके बारे में बता दीजिए, जो बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे, बॉक्स रखा गया हुआ है, इसमें मधुमक्खी कैसे पाला जाता है उसके लिए ये बताया गया हुआ है। ये मधुमक्खी का छत्ता है, ये फ्रेमिंग है, इसमें लगा के रख दिया जाता है, उसके बाद इसमें मधुमक्खी को डाला जाता है। मधुमक्खी जो है कि अपने इसमें छत्ता बना लेती है, जो कि ये छत्ता बनाया गया हुआ है, इसमें छत्ता बनाया गया हुआ है। इसमें शहद भरने के बाद क्या होता है, तो ये शहद मधुमक्खी आप लोग कहाँ से लेते हैं? मधुमक्खी इसमें पाला जाता है, ठीक है, एक बक्सा में 20,000 मधुमक्खी होती है। 20,000 एक मधुमक्खी जो है कि रानी मक्खी जो है कि पर डे 2,000 अंडा देती है, एक दिन में 2,000 अंडा देती है, उसी से जो है बच्चा अपना बढ़ता है। उसके बाद ये एक्सट्रैक्शन मशीन है, इसमें जैसे शहद भर जाता है, इसमें 70-80% शहद हो जाता है, उसके बाद इसको हम बंद कर देता है, मधुमक्खी बंद कर देता है। तो इसको हम कैसे जानेंगे कि इसमें पूरा शहद भरा हुआ है? तो इसमें 70-80% शहद भर के इसको पैक किया हुआ रहता है, उसके बाद लर्वा रहता है, इसमें बच्चा रहता है, फिर इसको इसका मुंह बंद रहता है, इसलिए हम चाकू से जो है कि इसको काट देते हैं, हल्का सा मुंह प्लेन कर देते हैं ताकि इसका मुंह खुल जाए। मुंह खुलने के बाद क्या है कि हम लोग इसमें डालते हैं, बक्सा में, इसमें हनी छुड़ाने वाला मशीन में, एक्सट्रैक्शन मशीन में, और इसको जो है कि धीरे धीरे चलाते हैं। धीरे धीरे चलाएंगे तो इसमें जितना भी शहद रहेगा, शहद नीचे इसमें कलेक्शन हो जाता है, एक जगह जमा हो जाता है। हम लोग यहाँ से फिर इसको निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में, निकालने के बाद फिर है इसको प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग कर देते हैं। ओवरऑल आपके पास जितना भी है सब प्योर है? जी प्योर है, टोटल प्योर है 100%। तो भाई लोग यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हैं पूरा फर्नीचर है रखा हुआ। तो भैया क्या चीज़ का बना हुआ है ये सब फर्नीचर? शीशम के लकड़ी का है। शीशम के लकड़ी का, और रेंज क्या है सबका? ये वाले का रेंज बताइएगा ज़रा। 18,000 रुपया। और वो जो है? 25,000 रुपया। 25,000 रुपये। और सबसे मिनिमम रेंज कितना है यहाँ? 12,000 रुपये। और सबसे हाई? सबसे हाई 35,000। 12,000 से लेकर के 35,000 तक में आपके पास? उससे भी हाई आपके पास? कॉटन कैंडी का स्टॉल मिलेगा, कितने का है भैया एक पीस? एक पीस यहाँ 20 रुपये है, और बस जस्ट बगल में इसके पॉपकॉर्न है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर आप लोगों को चाट मिलेगा, कैसे प्लेट है भैया चाट? हाँ 30 रुपये प्लेट यहाँ चाट है। और आगे हम लोग बढ़ करके और भी आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या है खाने को। अगर आप लोगों को बताएं तो यहाँ पे खाने का बहुत कुछ है, सब कुछ तो मैं कवर नहीं कर सकता, मगर जहाँ तक कुछ कुछ कवर करके आपको ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ क्या क्या है। यहाँ पर देख लीजिए आइसक्रीम भी आप लोगों को मिलेगा, कितना से कितना रेट तक है भैया आपके पास आइसक्रीम? 20, 30, 40, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये रेट तक आइसक्रीम मिलेगा, और आगे भी बहुत कुछ है, चलिए बारी बारी करके जानते हैं।
तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा पकौड़ा यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे पकौड़े की वैरायटी है, जैसे अंडा पकौड़ा 40 रुपए, ब्रेड पकौड़ा 30 रुपए, बैगन पकौड़ा 20 रुपए, वेज पकौड़ा 30 रुपए और पनीर पकौड़ा 30 रुपए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग कूपन लेंगे उसके बाद वहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिट्टी चोखा है। प्राइस क्या है लिट्टी चोखा का? 40 रुपए। कितना पीस रहेगा? 40 रुपए में आपको 2 पीस मिलेगा। जो बिहार की शान है लिट्टी चोखा, ये भी यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। देख लीजिए यहाँ पे स्टॉल, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छोला भटूरा मिल रहा है। तो जानते हैं भैया से इसका प्राइस, प्राइस क्या है भैया इसका? 30 रुपए में आपको 2 पीस छोले भटूरे मिलेगा यहाँ से। और भी यहाँ पे बहुत स्टेट के अलग अलग डिश हैं, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे पंजाब का फेवरेट डिश मक्के की रोटी सरसों का साग है, इसका प्राइस क्या है जरा बता दीजिए? 50 रुपए प्लेट। कितना पीस रहेगा इसमें रोटी? दो रोटी, साग और चटनी, सरसों का चटनी, सरसों का साग। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा, यहाँ पर आइए तो प्लीज यहाँ जरूर टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि बिहार में बहुत कम ही जगह पे ये मिलता है। तो यहाँ पे काफ़ी यूनिक चीज़ मेरे को मिला है अभी, बड़ा मिठाई। तो सर इसका टेस्ट कैसा लग रहा है आपको? बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। इसका प्राइस ज़रा बता दीजिएगा कैसे? 160 रुपये पर केजी, 160 रुपये किलो पर केजी। और एक पीस का 160 रुपीज़ केजी है और एक पीस का आपको 10 रुपये मिलेगा। इसका मैं आपको शॉर्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक और फूड स्टॉल है, तो जरा बता दीजिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? हमारे पास दाल बाटी चूरमा है, राजस्थानी थाली है, प्याज कचौरी, दाल कचौरी है, मिर्ची बड़ा है, मूंग दाल का हलवा है, पापड़ी चाट है, टिकिया चाट है, दही बड़े हैं। और प्राइस जरा प्राइस बता दीजिए सबको। प्राइस कचौरी लेंगे तो 40 का मिलेगा, चाट 40 का हाफ है, दही बड़ा 40 का है। मतलब ये कचौरी किस चीज़ का है? ये मूंग दाल का कचौरी है। मूंग दाल का कचौरी है। तो यहाँ पर आप लोग बहुत वैरायटीज है, आप लोग आइए और खाइए। और तो यहाँ पे कुछ भाई लोग मिले हैं, लोगों से जानते हैं कि आप लोगों को मेला कैसा लगा। भाई आपका नाम क्या हुआ? अमरजीत कुमार। और आपका? कुंदन कुमार। और आपका? मेरा दीपक कुमार। कैसा लगा आप लोगों को मेला? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एंजॉय। और यहाँ का जो खाना है बहुत मस्त है, टेस्टी है। तो आप लोगों ने अभी क्या क्या खाया है? ओके, थैंक यू। तो भाई लोग जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के सोफा हैं। तो भैया कितने रेट से कितने रेट तक के आपके पास? यहाँ काउच है वो 12,000 से स्टार्ट है। और सबसे हाई रेंज? हाई रेंज है 28,000। 28,000 जी। और ये किस चीज़ के बने हुए हैं सारे? ये हिमाचल का सागवान है और शीशम है। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को सोफ़ा दिखा रहा हूँ, किसी भी एक सोफ़ा को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिए इसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और बात करें तो मैं बैठ करके दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है सोफ़ा। और यहाँ पर जिधर भी आप देखेंगे चारों तरफ बहुत सारे वैरायटी के सोफ़ा हैं। और रेट तो अभी आप लोगों को बता ही दिया कहाँ से लेकर के कहाँ तक का रेट है। और आप लोग आइए सरस मेला में और परचेस कर सकते हैं आप लोग आ करके। तो यहाँ पे भाई लोग कुछ यूनिक चीज़ देखने को मिल रहा है, ये क्या चीज़ है ज़रा बता दीजिए? ये फ्लावर पोट है सर, ये फ्लावर पोट है, इसमें लकड़ी के हाथ की कार्विंग की हुई है पूरा। ये सब हाथ का है? हाथ का काम है, पूरा लकड़ी का है। इसमें फ्लावर पोट है, बड़े भी है इसमें, ये गिटार है, लैप सेट है, लैप का भी काम करता है। इसका प्राइस ज़रा बता दीजिएगा, प्राइस क्या पड़ेगा? 3500 रुपये प्राइस है इसका, गिटार का 3500 रुपये। 3500 रुपये जी। और पोट का 1500 से लेगा 8,000 रुपये तक का पोर्ट है इसमें। मतलब आपके पास 1500 से लेकर के 8,000 तक का मिलेगा जी जी। और ये बड़ा वाला, ये 8,000 रुपये का है बड़ा, 8,000 रुपये का। तो यहाँ पर आप लोग आके परचेस कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखने में लग रहा है। सरस मेला में आइए और आप लोग परचेस कीजिए आके। तो हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देख लीजिए सूट भी मिलेगा, बैग्स भी मिलेगा और साड़ीज भी मिलेगा। एक वीडियो में मैं आपको कवर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इस वजह से मैं आप लोगों को उसका कुछ कुछ शॉट दिखा देता हूँ।
यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं थोड़ा ऑडिटोरियम टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे शायद फंक्शन होता है। और इस तरफ अगर हम लोग देखें, आपको दिख रहा होगा उस तरफ यहाँ पे झूला भी है, तो चलिए मैं आप लोगों को झूला का भी एक शॉट दिखाई देता हूँ। गाइज मैं बहुत कुछ आपको कवर करके नहीं दिखा पाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और भाई बहुत कुछ मैं कवर नहीं कर पाया हूँ उसके लिए सॉरी। आप लोग यहाँ आइए घूमिए और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है और कुछ जो मैं नहीं दिखा पाया। तो ओवरऑल भाई लोग मैंने पूरा मेला एक्सप्लोर कर दिया। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा और इसका पार्ट टू चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, तो मैं इसका पार्ट टू भी लाऊंगा। तो लाइक ज़रूर कर देना भाई। तो मिलेंगे फिर एक और लेटेस्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।